कन्नौज जिले में उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण के दौरान उन्होंने सीएमएस को निर्देश दिए कि किसी भी मरीज को बाहर की दवा ना लिखी जाए। अगर कोई दवा अस्पताल में उपलब्ध नहीं है तो लोकल से खरीद कर दवा अस्पताल में रखें। वहीं पत्रकारों से संक्षिप्त बातचीत में उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में प्रदेश में सिर्फ 13 मेडिकल कॉलेज थे, इसके कारण चिकित्सकों की कमी है। उन्होंने कहा कि अब हर जनपद में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जल्दी ही चिकित्सकों की कमी पूरी हो जाएगी। उन्होंने मरीजों से बातचीत भी की। एक्सरे के इंतजार में बैठे एक मरीज की समस्या सुनकर तत्काल एक्सरे कराने के निर्देश दिए। हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है, सभी चीज़ों से बात किया है, मरीजों से भी हमने बात किया है, सबको उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध हो, सरकार इसके लिए कृतसंकल्प है। लगातार हम और हमारी टीम इसके लिए काम कर रही है। हमारे चिकित्सक कन्नौज जनपद के सभी लोगों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करा रहे हैं। सबको सरकारी दवाइयां अस्पताल परिसर में मिले, अस्पताल परिसर में मरीजों के साथ भगवान जैसा व्यवहार हो, किसी भी स्थिति में मरीज को संतुष्ट करके हम लोग उनके घर भेजेंगे, उनके परिजनों को यहाँ कोई दिक्कत न हो, शुद्ध पेयजल के इंतजाम किए गए हैं। और हर स्थिति से हम लगातार सभी जनपदों में पूरे प्रदेश के अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं और जो भी कमियां हैं उनको हम दुरुस्त कर रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnewsflash।